नमस्कार। ड्रग मामले में एक और अहम जानकारी सामने आई है और वो जानकारी दीपिका पादुकोण से जुड़ी हुई है, क्योंकि दीपिका पादुकोण, आपको भी पता है कि एनसीबी ने 25 सितंबर को उन्हें बुलाया है पूछताछ के लिए और गोवा में उनकी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। शूटिंग छोड़कर दीपिका पादुकोण अब मुंबई पहुंच गई हैं, लेकिन इस बीच जब उनसे सवाल पूछा गया, जब एनसीबी के समन पर सवाल पूछा गया, तो दीपिका पादुकोण का क्या रिएक्शन था, ये आपके लिए भी बहुत हैरान करने वाला है। दीपिका पादुकोण को जहां बहुत सारे लोग इस पूरे मामले में गुनहगार मान रहे हैं, वहीं दीपिका पादुकोण का ये कहना है, उनका तर्क ये है कि एनसीबी जहां जिस जगह पर जांच के लिए बुलाएगी वो तैयार हैं, वो इस पूरे मामले में एनसीबी का सपोर्ट करेंगी, सहयोग करेंगी। इसका मतलब ये है कि दीपिका पादुकोण को कोई डर नहीं है इस पूरे मामले में, वो खुद को निर्दोष बता रही हैं और यहां तक कि उन्होंने अपने वकील से भी इस पूरे मामले में बातचीत की है, उनसे भी सलाह ली है, कानूनी सलाह ली है दीपिका पादुकोण ने, और अब उसके बाद कल वो एनसीबी के सामने पेश होंगी, क्योंकि 25 सितंबर की तारीख मुकरर की गई थी पेशी के लिए, दीपिका पादुकोण की पेशी के लिए। सबसे अहम बात कि अभी सिमोन खंबाटा से भी पूछताछ हुई है और रकुलप्रीत सिंह को भी आज बुलाया गया था पूछताछ के लिए, लेकिन इनसे क्या अहम जानकारियां मिली है, और करिश्मा जो कि दीपिका पादुकोण की मैनेजर है, करिश्मा से भी पूछताछ हो चुकी है, फिर से कल करिश्मा को बुलाया गया है, तो अब दीपिका पादुकोण और करिश्मा को क्या आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी, ये भी बहुत अहम सवाल है, क्योंकि अगर आमने सामने की पूछताछ होती है तो करिश्मा ने जो भी एनसीबी को बताया है उसमें उसे वेरीफाई करेगी एनसीबी दीपिका पादुकोण से, क्रॉस एग्जामिनेशन किया जाएगा और तब ये जांचने की कोशिश की जाएगी कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। यानी जो दो अहम किरदार आज जिनसे पूछताछ हुई है, सिमोन खंबाटा और रकुलप्रीत सिंह, उनकी भी भूमिका अहम हो जाएगी कल दीपिका पादुकोण से पूछताछ के दौरान, उन्होंने क्या बताया उसी आधार पर पूछताछ होगी, और दो और लोग जिनसे 26 सितंबर को पूछताछ होगी, श्रद्धा कपूर उनमें एक है और सारा अली खान, इन दोनों से पूछताछ में जो एनसीबी हासिल करेगी, हो सकता है कि आगे एक बार फिर दीपिका पादुकोण को बुलाया जाए और उनके बयानों पर, यानी सारा अली खान और श्रद्धा कपूर के बयानों पर भी क्रॉस एग्जामिनेशन करवाई जाए। तो फिलहाल बड़ी खबर यही है कि दीपिका पादुकोण तैयार हैं जांच में सहयोग करने के लिए, और उन्होंने साफ तौर पर एनसीबी के समन का जवाब दे दिया है कि आप जहां बुलाएंगे, जैसे बुलाएंगे, वो पहुंच जाएंगे।